नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक से लौटे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान गुणेश्वरन और मनिका बत्रा ने यहां WTT कंटेंडर बुडापेस्ट 2021 टूर्नामेंट में अपनी अपनी स्पर्धाओं के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गुणेश्वरन ने पुरुष एकल के शुरुआती दौर में फ्रांस के कैन अकुजू को 3-1 से शिकस्त दी। मनिका ने महिला एकल के शुरुआती दौर में जर्मनी की सबीना विंटर को 3-2 से पराजित कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में शानदार शतक की बदौलत सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल बुधवार को जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में 19 स्थान के फायदे के साथ 37वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि उनके कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं। जापान ग्रापी को सरकार और रेस के प्रमोटर्स के बीच चर्चा के बाद रद्द कर दिया गया है। फॉर्मूला वन आयोजकों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सुजुका में यह रेस 10 अक्टूबर को होनी थी। F1 ने बयान में कहा कि देश में महामारी से जुड़ी मौजूदा जटिलताओं को देखते हुए जापान सरकार ने इस सत्र में रेस को रद्द करने का फैसला किया है। बयान के अनुसार फॉर्मूला वन अब संशोधित कार्यक्रम पर काम कर रहा है और आगामी हफ्तों के अंतिम कार्यक्रम की घोषणा करेगा। भारतीय बैडमिंटन टीमों को 9 से 17 अक्टूबर तक डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप में आसानी से ड्रॉ मिला है। भारतीय पुरुष टीम को गत चैंपियन चीन और नेदरलैंड तथा तहिती के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। वहीं महिला टीम के साथ ग्रुप बी में थाईलैंड, स्पेन और स्कॉटलैंड होंगे। ड्रॉ कुआलालंपुर में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने निकाले। हर समूह से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेगी। भारत के विद्यमान पहलवान रविंदर ने मंगलवार को यहां विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिताब की तरफ कदम बढ़ाए। वहीं गौरव बलियान और दीपक ने कांस्य पदक जीते। रविंदर ने सेमीफाइनल में आर्मेनिया के लेविक मिकायलयान के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी की। भारत T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को दुबई में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ICC द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड से होगा। उसके बाद टीम को 3 नवंबर को अबुधाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। भारत को सुपर 12 मैच के बचे हुए 2 मैचों को ग्रुप बी के विजेता और सुपर ग्रुप ए के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाफ खेलना है। खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।